प्रदेश के बलिया जनपद से जहाँ व्यक्ति के व्यक्ति निर्माण का साधन कहे जाने वाले शिक्षक वर्ग ने आज जिले के विभिन्न ब्लॉकों एवं एक दिवसीय सांकेतिक धरना के माध्यम से सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला है। धरने के माध्यम से शिक्षकों ने सरकार के सामने अपनी 21 सूत्रित मांगे रखी है, जिसमें पुरानी पेंशन की बहाली, तमाम भक्तों की बहाली व विद्यालय के रसोइयों के मानदेय बढ़ाने की प्रमुख मांगे रही। विद्यालय के गलियारे में बैठे सरकार की नीतियों के खिलाफ नारे लगा रहे शिक्षकों की ये तस्वीरें बलिया के रसा से आ रही है, जहां शिक्षकों ने अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक धरने का आगाज किया है। गौरतलब हो कि आज भी शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले विद्यालयों में छात्रों व शिक्षकों का पेट भरने वाली रसोइयों का मानदेय 50 रूपए प्रतिदिन है। शिक्षकों की पुरानी पेंशन रुकी हुई है, जबकि नेता अपनी पुरानी पेंशन का लाभ उठा रहे। ऐसी ही 21 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। मांगे न माने जाने की स्थिति में अनवरत धरना चलाते रहने की चेतावनी भी दी है। लेकिन सरकार के